अल्लू बनाया? हाँ, बहुत अच्छे डैड। फिर उल्लू बनाया? हाँ, फिर से। ला 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 ला। आओ आओ। उल्लू बनाया। डरावना नाश्ता। हाँ बिल्कुल, अब टाइम है हमारे एनुअल चैरिटी फंड रेजर का। क्या कहा, डरावना घर? तुमने सही कहा डेनिस, जिसे बनाएगा बर्टन बर्गर परिवार। हम उसमें सब कुछ इतना डरावना बनाएंगे कि पूरा शहर चिल्लाता रह जाएगा। आज मेरे सारे खिलौने के साथ मेरी टी पार्टी है, चलो मिस्टर कैट। ठीक है बेटी, जब हम हाउस ऑफ स्वैप में डरावनी चीजें फिट कर रहे हो तो ये कर सकती हो। पर खूब मुझे अफसोस है कि इस बार तुम पिकनिक पर नहीं जा सकोगे। क्या, पर क्यों? क्योंकि इस बार तुम भूतिया घर के गाइड बनने वाले हो। खूब, क्या वाकई आपको लगता है मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, ये तो वाकई अच्छा रहेगा। कोई मेरा हाथ बटाना चाहेगा? अब तुम लोग कोई भी ऐसी चीज ढूंढ कर लाओ जो तुम्हें डरावनी लगे। मैं नहीं, मुझे तो टी पार्टी की तैयारी करनी है। पार्टी में मजे करना मिली। ये बड़ी बड़ी हड्डियाँ मुझे बना देती हैं एकदम ताकतवर। ये बनी है अंधेरे में चमकने वाले रेडियम से। बढ़िया, मुझे इससे कुछ डरावना आइडिया आया है। ये हड्डियों का झूमर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कोई इससे डरेगा? अब ये देखिए डैड। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये वाला बेसमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो लोग वहां से नीचे उतर के आएंगे और इन दीवारों के बीच से गुजरेंगे जिसमें नोकदार तिकोने लगे हैं। आपका मतलब है ये डरावने नुकीले भाले? बस ऐसे ही काम करते रहो, या मुझे कहना चाहिए कि डरावने काम। अरे नहीं कूप, बेचारी मिली और उसका प्यारा बिल्ला इस दीवार में दब जाएंगे। जल्दी से इस स्विच पर पैर रखो। मिस्टर कैट को एक पार्टी हैट चाहिए। अरे इन्हें कहाँ ले जा रही हो? मुझे ये ड्रिंक्स देने के लिए भी चाहिए। चलो मिस्टर कैट। और इस रूम में क्या है? मेरे बच्चों, ये वो जगह है जहाँ मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। और जहाँ तुम्हारे इस डैड को बहुत मजा आएगा। मैं इस टेबल पर इस तरह बंधा रहूंगा, जरा वो स्विच चालू करो। हाँ, घबराओ मत बेटे, ये तो नुकसान न देने वाला बिजली का एक नकली झटका है। मुझे इसे चलाने के लिए इसमें बहुत सारे मोजे भरने पड़े। आप तो बहुत अकलमंद है, आपने इसमें और क्या क्या चीजें इस्तेमाल की? तो बच्चों, क्या तुम बाहर आकर यहाँ मेरी मदद करोगे? आ रहे हैं। ये है एक पुराना साधारण तालाब जिसमें मैं मिलाऊंगा हरे रंग का पाउडर। तैयार हो गया ये हरा भरा तालाब डराने के लिए। बहुत बढ़िया, ये मेरी टी पार्टी के लिए एकदम बढ़िया है। इस जूस में सारे फ्रूट्स का मिश्रण है। बस हो गया डैड, हमने जाल बिछा दिया है। जब कोई भी इस पर पैर रखेगा इसमें से निकलेगा एक राक्षस। शाबाश बच्चों, बर्टन बर्गर परिवार का भूतिया घर तैयार है। हाँ। अच्छा हुआ कि ये सब नकली है, वरना हम भी दूसरों की तरह डर जाते। सही कहा डेनिस। आपका बर्टन बर्गर भूतिया घर में स्वागत है। अब बारी हमारी है तुम्हें डराने की। ये क्या, ये तो हमें ही डरा रही है। अब बेटे तुम ही इनसे निपट लो। थैंक्स डैड, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चलिए मेरे साथ आज रात के सबसे खतरनाक खतरों से भरे सफर के लिए। ओ, मुझे डर लग रहा है कूप, मुझे तुम्हारा हाथ हर वक्त पकड़े रखना होगा। अब तो मुझे डर लग रहा है।
अगर आप में से कोई कमजोर दिल वाला है तो वो अभी भी बाहर जा सकता है। अरे यार, ये तो बकवास है। ये कंकाल तो उन लोगों के लगते हैं जो परेशान होकर मर गए हो। इसमें डरावना क्या है? ये सब क्या बकवास है? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। कूप, क्या तुम ठीक हो? थैंक्स। देखो कूप, इन हड्डियों पर तो रेती लगी हुई है। मतलब अगर मैं वहाँ खड़ा रहता तो मेरा ऑमलेट बन जाता? ये सब कैसे हुआ? डेनिस, ये बिल्ले का काम है। उस बिल्ले ने हमारी सारी चालों को असली बना दिया है। आपका सफर कैंसिल होता है, कुछ अनहोनी हो गई है। चलो सब लोग बाहर चलो। दरवाजा तो लॉक हो गया है। हाँ, होगा ही। सबको पता है कि भूतिया फिल्मों में ज्यादातर ऐसा ही होता है। हाँ, और अब हमें जबरदस्ती पूरे घर में जाना पड़ेगा, चाहे हम मर ही क्यों न जाएं। चलो चले। वरिष्ठ सचमुच में हमें मार सकता है। जरूर मार सकता है, हर साल यही तो होता है। क्या सब लोग ठीक है? मैं एक इंसान हूँ, कोई सवारी नहीं। ये तो बिल्कुल नकली है। देखो, इन पर तो नुकीले भाले भी नहीं हैं। बिना नोक का भाला तो एक लकड़ी होता है, लेकिन ऐसी चीजों को चुरा कौन सकता है? मुझे लगता है मैं जानता हूँ। ठीक है, चलो सब लोग चलते रहिए, आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे जल्दी चलने को मत कहो, मेरी उम्र हो गई है और मैं तुम्हारी तरह उछल नहीं सकती। पर हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना हम फंस सकते हैं। थोड़ा बहुत ठीक था। चलिए सब लोग चलते रहिए। मेरे हीरो, आजकल भलाई भी नहीं करनी चाहिए। मैं अपना छाता वापस ले रही हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा संभल कर, इस बिस्तर में ऐसे डरावना क्या है दोस्त? अगर हमें ऐसा ही गंदा बिस्तर देखना होता तो हम घर पर ही रह जाते। मुझे इसके बारे में पता नहीं डेनिस, अगर कैट ने इस स्विच में कुछ गड़बड़ की होगी तो। यहाँ बहुत अंधेरा है, लाइट्स चालू करो। पता होना चाहिए था इस कबर खाने की लाइट्स नहीं जलेंगी। पता नहीं कैसे पर हमने कैट की ये चाल भी नाकाम कर दी। कूप, बेटे तुम स्विच ऑन करना भूल गए। वाह, लगता है मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही मोजे भर दिए। और अब बटन बर्गर के भूतिया घर में हमें इस डरावने तालाब को पार करना है। बेकार। पानी में मत जाओ। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। इसमें खतरनाक काटने वाली मछलियाँ हैं। यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज है तुम्हारी सड़ी हुई नौटंकी। ये तो बस खेलने वाली मछलियाँ लग रही हैं। धीरे चलाओ, ये सब एक क्राफ्ट है, कोई हवन क्राफ्ट नहीं। ठीक है, और अब हम चलेंगे डरावने कब्रिस्तान में। आपकी दाई तरफ है कुछ खुली कब्रें और आपकी बाई तरफ है कुछ और कब्रें। और उन ज़ॉम्बीज़ को तो देखो, आने के लिए शुक्रिया, दोबारा फिर आइए। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। अगले साल हम ये लोहे का बनाएंगे। मछलियाँ जो बिल्लियों को खाती है, आजकल सब कुछ उल्टा है। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। अरे नहीं, ये सफर का आइडिया तो बहुत ही बकवास था। डैड मुझसे बहुत नाराज होंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा था। कूप, यहाँ देखो, तुम भी डर जाओगे।
मैं फिर से अंदर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो खतरनाक गंजे को भी देखना है। ये वाला जूस पीकर देखो मिस्टर कैट, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये तो हमारे भूतिया घर का सबसे बढ़िया भूत था। ये हुई ना बात बेटे, तुमने कर दिखाया। थैंक्स डैड। आह, ये खिलखिलाती धूप मेरे बागीचे को और भी सुंदर बना रही है। मुझे पता है ये किसकी हरकत है। कैट, पकड़ लिया। मिली, तुम्हारा कैट मेरे बागीचे के पौधों को बर्बाद कर रहा है। डैडी, मिस्टर कैट सॉरी बोल रहा है ना मिस्टर कैट? ओ, अब मैं तुम्हारे इस भोले चेहरे पर नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हो बेटे? साइंस प्रोजेक्ट। बोरिंग। बोरिंग? इससे ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? तुम एक छोटे से पौधे को पानी देते हो और वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ये तो गाजर है डैड। यही तो प्रकृति का नियम है कूप, और अब तुम इसे अपने सामने बढ़ते हुए देखोगे। उस गाजर से दूर हटो। अच्छा निशाना था बेटे। आप ही से सीखा है डैड। डैडी। एक माली उतना ही अच्छा होता है जितने कि उसके औजार। हमारे पास एक घास काटने वाला रोलर, दवा डालने वाली मशीन और ये वही औजार है जिन्हें मेरे डैड इस्तेमाल करते थे। ये तो मंसन आंटी से भी ज्यादा पुराने लगते हैं। कुछ भी पुराना नहीं होता कुप। दुनिया भी तो बहुत सालों पहले बनी थी लेकिन आज भी बिल्कुल नई जैसी है ना कुप? वाओ, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। जब तुम घर वापस आओगे तो हम खाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अपने पौधे को बाय बाय कहना मत भूलना बेटे। पौधों को अच्छा लगता है जब तुम उनसे बात करते हो, ये एक वैज्ञानिक सत्य है बेटे। फिर तो उन्हें मेरा गाना बहुत अच्छा लगेगा। ला 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 ला। बाय पौधे। पूरा दिन गाना गाऊंगी। ला 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 ला। हाँ को, पौधों की रंगीन दुनिया तुम्हें बुला रही है। देखा डैडी, मेरे गाने से ये कितना बड़ा हो गया। मैं सारे पौधों के लिए गाना गाऊंगी। खूब, बहुत खूब। तुम्हें तो पौधे उगाने आते हैं। क्या ये मैंने किया? तुमने ही किया है खूब, बल्कि अब से घर के सारे पौधों की देखभाल तुम ही करोगे। अब मैंने वो स्प्रेयर कहाँ रख दिया? आ, ये ले लो और अपना जादू दिखाओ। ये लो और ये लो। ला 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 ला, अपने नन्हे पौधों के लिए गाओ। जल्दी से पियो। हे, तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था बेवकूफ। ला 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 ला। सब हो गया। अभी नहीं, अभी बगीचे में पानी देना तो बाकी ही है। ओ वो वाह, ये पौधा तो कितना अच्छा लग रहा है। हमें तुम्हारा ये हुनर पूरी दुनिया को बताना होगा। मैं अभी जाकर शहर के अखबार वालों को खबर करता हूँ। ओके, ये अजीब बात है। अब मुझे लगा ही था। सुनो कूप, मुझे तुमसे कुछ काम है। बिल्ले ने पानी में कुछ मिलाया है जिसकी वजह से ये सारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं। मुझे तो ऐसे फूल से एलर्जी है। चलो यहाँ से निकलते हैं, भागो। आज के दिन इतना काम बहुत हो गया। वो बेल, वो तो मिली की खिड़की तक पहुंच गई है। आ,
बहाने ने हमें बचा लिया। मिस्टर कैट, तुम क्या कर रहे हो? ओह मिस्टर कैट तो काफी बिजी है। खूब मुबारक हो। बूट्सविल ब्यूगल अखबार वाले तुम्हारे बड़े पौधों के साथ तस्वीर खींचने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। इन पौधों के बीचों बीच? अरे हाँ, है ना मजेदार? बोलो। ये तो बहुत ही मजेदार है। वहाँ पर तो पूरा का पूरा जंगल है। ठीक है, इंसानों को खाने वाले पौधों के हिसाब से तुम सुरक्षित रहोगे अगर तुम उन्हें शरीर की बदबू, पसीना या किसी तरह की हरकत से उन्हें परेशान ना करो। समझ गया, कोई हलचल नहीं, कोई बदबू नहीं। खूब, हमारे शहर के मशहूर पत्रकार मिस्टर मल्च खुद तुमसे मिलने आए हैं। वाह वाह, पहले तो मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था मिस्टर बर्टन बर्गर, और ये तो सचमुच बहुत बड़े हैं। लगता है रास्ता साफ है। याद रहे, आराम से जाना और पसीना नहीं आना चाहिए। रास्ता साफ है। पसीना नहीं, पसीना नहीं। इतना ही काफी हो गया। तुम चलो मिस्टर कैट, कोई अच्छा काम करते हुए कूप की फोटो पेपर में रोज रोज नहीं छपती। शाबाश बच्चे, मैं बहुत खुश हुआ। तरह तरह के पौधे और वो भी इतने बड़े बड़े। कुछ लोग तो बस थोड़ी सी घास फूस उगाकर अपने आप को बागबान समझने लगते हैं। मैंने कहा था ना बेटा, पर तुम्हारा वाला बगीचा तो तुम्हें अपनी ओर खींच ही लेता है ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ से नजारा ज्यादा अच्छा है। क्यों ना पहले आप ऊपर चलकर पौधे देखें मिस्टर मल्च। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें कोई ना कोई हल तो होगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर मैं बिल्ली की तरह गाऊं तो मछली जल की रानी है। इन्हें भी पसंद नहीं आया। चलो डेनिस। मुझे पता नहीं था कि गाजर इस तरह डांस भी कर सकता है। इन फूलों की खुशबू से यह घर कितना महक उठा है। जरा देखो तो खिले हुए खूबसूरत फूलों को, कितने प्यारे हैं। देखिए अभी तो और भी हैं। अब मैं आपको पूरा बागीचा दिखाता हूँ, अगर सीढ़ियाँ मिल जाए तो। हमें जाने दो गाजर राक्षस। सुरक्षा कवच तैयार है। जंगली घास वाला स्प्रे तैयार है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। अब शुरू करो डेनिस। ये काम कर रहा है, बंद मत करना। बढ़िया, हमारा काम बन गया डेनिस। अब मैं इन पौधों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। Yay!
मुझे लगा अब तक तुम्हारा भरता बन चुका होगा बिल्ले। क्या हुआ मिस्टर कैट, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? डैड, मल्च अंकल, हम तो बस घास फूस काट रहे थे। सुनो छोटू, तुम तो बस कैक्टस उगाओ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैंने तुम्हारे बगीचे में से ये खुशबू वाली छोटी सी बेल ले ली है। चलो डेनिस, अंदर तो काम बहुत बढ़िया होगा। हम आ रहे हैं। सारा किया करा मिट्टी में मिल गया।